प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब एंड नेवर मिस। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तानी पत्रकार शैला खान को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी हिंदुस्तानी शेरनी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील भारत की बेटी नाज़िया अली खान जी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, जिसमें ये दोनों बात करेंगी हमारे प्यारे देश भारत के बारे में और प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में। तो ये वीडियो काफी मजेदार होगी, इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम अपने लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। गवर्नमेंट है वो इस दफा किस पार्टी के हाथ आती है। सेकंडली ये प्रोग्राम इस वजह से भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम इस प्रोग्राम में जियो पॉलिटिक्स को डिस्कस करेंगे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, कि दुनिया जो है इस वक्त इंडिया के बारे में क्या लिख रही है और सोशल मीडिया पर इंडिया को लेके क्या ट्रेंड हो रहा है। इसमें बहुत सी कंट्रीज का हम जिक्र करेंगे जिन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडिया के बारे में कुछ ना कुछ लिखा है या फिर कुछ ना कुछ पोस्ट किया है। यहाँ पर एक बहुत ही अहम चीज़ है जो कि अभी इन तीन दिनों के साथ साथ जो है आवाम को, साथ साथ ओपोजिशन की मैं सबसे पहले बात रखूंगी, कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मौन व्रत रख लिया है और जी 3 दिन तक वो कोई बात नहीं करेंगे और एक लंबी तपस्या पर वो चले गए हैं। अब जो ओपोजिशन पार्टी है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो है ओपोजिशन बहुत ज़्यादा इस टाइम बीजेपी के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझी जा रही है, और वो ये कह रहे हैं कि ये भी जो है एक इनका पब्लिसिटी स्टंट है वोट गेन करने का, क्योंकि कल जो है आखिरी राउंड है, तो ये जो है सनातन को और अपनी जो है पार्टी को सबसे ऊपर रखना चाहते हैं या फिर कोई और इसके पीछे मकसद छुपा होगा। नाज़िया अली खान हमारे साथ मौजूद हैं। ये जो खबर है जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही है कि मोदी जी 3 दिन के लिए जो है तपस्या पर जा चुके हैं और वो तभी आएंगे जब उनको कहा जाएगा कि आप ही प्रधानमंत्री हैं, नाज़िया जी क्या कहेंगे और ये क्या सोच के ये चीजें जो है बीजेपी या उनके जानिब से पोस्ट की जा रही है, क्या इसके पीछे क्या सच्चाई और क्यों? देखिए, एक कोट से मैं स्टार्ट करूंगी शैला। वंदे मातरम, भारत माता की जय। कहते हैं नमक स्वाद अनुसार अच्छा लगता है और अकड़ औकात अनुसार अच्छा लगता है। अच्छा, ठीक है, समझ गई। तो अपोजिशन जो आज कहीं नहीं है, उन्होंने जैसे मुसलमान 4 बीवियां रखता है, वैसे ही राहुल बाबा ने 28 पार्टियों को जोड़ लिया और फिर पाकिस्तान के फवाद को भी जोड़ लिया और डॉक्टर इरशाद अहमद को भी जोड़ लिया है। पाकिस्तान में भी राहुल बाबा का प्रचार हो रहा था, इलेक्शन कंपेनिंग हो रही थी। तो ये जो खाली घड़ा बहुत ठनकता है और खाली पेड़ बहुत हिलता है, तो उसी तरीके से राहुल बाबा और अपोजिशन दल बहुत हिल रहे हैं। भारत के सबसे ताकतवर नेता, दुनिया के सबसे पॉपुलर नेता, दुनिया के सबसे मजबूत पार्टी के लीडर मोदी जी जब बोलते हैं तब भी अपोजिशन को प्रॉब्लम होता है, जब खामोश हो जाते हैं तो भी प्रॉब्लम होता है। अब ये तो भगवान का करिश्मा है शैला कि मोदी जी बोलते हैं तो देश और दुनिया सुनती है, और मोदी जी जब खामोश होते हैं तो दुनिया और देश के वासी उनकी खामोशी को समझने की कोशिश में लग जाते हैं। मैं आपसे अब ये बताना चाहूंगी कि 11 दिसंबर 1991 में पीएम मोदी ने एकता यात्रा कन्याकुमारी से स्टार्ट किया था। 11 दिसंबर 1991 जब वो घर से निकले थे एक तपस्वी के रूप में, तो उन्होंने एकता यात्रा की शुरुआत की थी उसी कन्याकुमारी से। उसके बाद फिर वो 2019 में भी वो तपस्या में बैठे थे, 19 की इलेक्शन के बाद। उसके बाद फिर 30, 31 और 1 जून को भी वो तपस्या में बैठे हैं और उन्होंने मौन व्रत का एक संज्ञान लिया है और वो वहां पर बैठे हैं। हम सबको याद होगा कि पीएम मोदी ने G20 की समिट में 1 Earth 1 Family 1 Future का नारा लगाया था। हम सबको याद होगा, शायद आप भी नहीं भूली होंगी, क्योंकि G20 की समिट के दौरान हमने बहुत सारे कन्फ्रंटेशन किए थे। जी मुझे याद है। अब विपक्षी दल बड़ा चिल्ला रहे हैं, बड़ा गरगरा रहे हैं और झूठे इल्जामात भी रख रहे हैं। तो शैला, क्या हम ईद से पहले रमजान नहीं करते हैं? और बहुत सारी चीजों को हम पेंडिंग में छोड़ देते हैं कि एक बार रमजान फिनिश हो जाए उसके बाद फिर हम इसको करेंगे। तो अलग अलग धर्म और मजहब के लोग अपनी अपनी तपस्या और अपने अपने मेडिटेशन को अलग अलग तरीके से करते हैं। पीएम मोदी 3 दिन के मेडिटेशन में समुद्र के बीच पहाड़ों पर गए हैं। ये कन्याकुमारी रॉक मेमोरियल कहा जाता है।
नाज़िर जी, जैसे कि एक आपने भी बात कही कि जब मोदी बोलते हैं तो दुनिया सुनती है, और इससे पहले ये बात प्राइम मिनिस्टर ने भी कुछ हफ्ते पहले की थी कि जब इंडिया बोलता है तो दुनिया सुनती है। उसके बाद पिछले साल जो है राजनाथ सिंह ने भी कहा था कि जब इंडिया बोलता है तो दुनिया सुनती है। अब इस चीज़ को भी जो लोग हैं उसके ऊपर एतराज़ कर रहे हैं कि ये लाइन तो बीजेपी ने चुराई है, ये लाइन तो बराक ओबामा ने जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए बोली थी कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह बोलते हैं तो दुनिया सुनती है, क्योंकि वो बड़े ज़बरदस्त इकोनॉमिस्ट हैं। तो कह रहे कि ये कोई भी चीज़ चुरा के तो बीजेपी खुद को क्रेडिट देती है, तो ये इस बारे में क्या कहेंगे आप? शाला, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मुझे ये बात कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं हो रही है कि मनमोहन सिंह का नाम हम बच्चों ने, हम युवाओं ने मौन व्रत रखा था। मनमोहन सिंह की कोई एक स्पीच आप बताइए जो बहुत वायरल हुई थी और आपने उस पर कोई कंटेंट बनाया था। मनमोहन सिंह की कोई एक ऐसी स्पीच बताइए जिसपे देश और दुनिया उठ करके खड़ी हो गई थी। मनमोहन सिंह जी की कोई एक ऐसी भाषण या ऐसी स्पीच या ऐसी प्रक्रिया बताइए या ऐसा कार्य बताइए जिस पर सारा देश टकटकी लगा करके देख रहा हो। मुझे याद है आज भी कि जब मनमोहन सिंह जी विदेश यात्रा करने के लिए जाते थे तो जैसे आपके नवाज शरीफ पीछे लाइन में खड़े होते हैं चोरों की तरह, वैसे ही मनमोहन सिंह जी भी खड़े रहते थे। मुझे आज भी याद है कि जब बांग्लादेश के वजीर आजम शेख हसीना आया करती थी मनमोहन सिंह जी से मिलने के लिए, तो वो साइड में बैठे रहते थे और सोनिया एंटोनियो मिलती थी। मुझे आज भी याद है कि अरब से या विदेश के जितने भी लोग आया करते थे, मनमोहन सिंह जी उनको ताजमहल गिफ्ट किया करते थे, पर गौर तालाब जो है और कन्फ्रंटेशन और बातचीत जो है वो सोनिया एंटोनियो किया करती थी। मनमोहन सिंह जी तो कभी कुछ बोलते ही नहीं थे, और तभी तो देश के युवाओं ने उनका नाम मौन व्रत रख दिया था, वो तो कभी नहीं बोलते थे। अब आती है तीसरी बात कि देश की सेना से कभी दिल्ली की सड़कों पर मिलिएगा या पंजाब और हरियाणा की सड़कों पर मिलिएगा तो देश की सेना यही कहती है कि पाकिस्तान जब हमारे ऊपर आक्रमण किया करता था या बॉर्डर पर छल कपट किया करता था तो हम तो मनमोहन सिंह साहब से ऑर्डर मांगने के लिए परेशान हो जाते थे, पर वो फोन पर ही नहीं आते थे। और गोलियां हमारे सेना के जवानों को लगती थी, और अब तो भाई गोली का जवाब गोली से दो, गाली का जवाब गाली से दो। तो मुझे आप ही बता दीजिए शैला कि मनमोहन सिंह जी की कौन सी एक ऐसी स्पीच है जो आपको बहुत यादगार रही हो। देखिए राहुल बाबा, आज भारत देश के वासियों से मेरा एक सवाल है, भारत देश के वासियों से, क्योंकि आपके व्यूअर्स बहुत सारे भारतीय हैं, तो मैं पाकिस्तान से भी सवाल पूछ लेती हूँ, आपसे भी सवाल पूछ लेती हूँ कि राहुल गांधी के मुंह से कभी भारत माता की जय आप लोगों ने सुना? कभी वंदे मातरम आप लोगों ने सुना या भारतवासियों ने कभी सुना? कभी शिवाजी महाराज की जय सुना? कभी महाराणा प्रताप की जय सुना? कभी भगवान कृष्ण की जय सुना? कभी गुरु गोविंद जी की जय करते हुए, जय जयकार करते हुए सुना? कभी गंगा माँ की जय करते हुए सुना? कभी भगवान श्री राम की जय करते हुए सुना? अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस वंदे मातरम के नारे पर हमारे मोहनदास करमचंद गांधी जी ने, हमारे बापू ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ करके इसी वंदे मातरम के नारे पर उन्होंने आजादी दिलाई देश को, उन्होंने अंग्रेजों को धूल चटाया और हे राम कहते हुए उनकी मृत्यु हुई। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह शैला खान और नाज़िर अली खान जी का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा, और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, खासकर भारत की बेटी नाज़िर अली खान जी के विचार हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, और खासकर प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में। जैसे कि आपने देखा मोदी जी आजकल ध्यान में है, वो मेडिटेशन कर रहे हैं, जिसकी चर्चा ना सिर्फ भारत में बल्कि पाकिस्तान में भी हो रही है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।